का जो मतलब कि पुराना स्वरूप क्या है, इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो आपको 1914 से लेकर 1918 यानी कि 4 वर्षों तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुई थी कि अपार जानमाल की क्षति हुई थी। इसी क्षति को देखते हुए आपको 1920 में 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ था कि आपको लीग ऑफ नेशंस जो था वो आपको क्या हुआ था कि आपको मतलब की गठित किया गया यानी कि वो अस्तित्व में आया। लेकिन ये जो राष्ट्र ठीक है ना वो प्रारंभिक दिनों में ठीक था लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि मतलब सुचारू रूप से क्या हुआ कि आपको यह नहीं चल सका यानी कि यह जो शक्तिशाली देश है उसके सामने इसने घुटने टेक दिए। क्या कर दिए, घुटने टेक दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपको कुछ ही वर्षों बाद क्या हुआ कि आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो आपको छिड़ा, जो कि आपको 1939 से लेकर 1945 तक आपको यह क्या हुआ था कि मतलब कि चला ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में क्या था कि आपको ये जो राष्ट्र संघ है वो असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। इन्हीं सुरक्षा की परिस्थितियों को देखते हुए ताकि विश्व में किसी प्रकार की क्या हो कि फिर कोई तीसरा महायुद्ध ना हो, क्या हो ना हो, तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ था कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, संयुक्त राष्ट्र का गठन। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि किसका गठन किया गया था, तो क्या कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का। हालांकि 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्र संघ का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। यह थी इसकी बेसिक बात है। अब आइए जो आपके मतलब की एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ठीक है ना, यानी कि इसको हम संयुक्त राष्ट्र भी पढ़ेंगे नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी पढ़ेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस यानी कि यूएन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएन। नहीं अगर आपको यूएन बोलना है तो आप इसको यूएनओ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूएनओ भी बोल सकते हैं। यूएनओ कहने का मतलब क्या हो गया, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। हालांकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिया था वो आपको अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राष्ट्र कौन दिया था, तो वो आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट दिया था, जो कि आपको अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो आइए यहाँ से हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को सबसे पहले टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 51 थे। कहीं कहीं आपको 50 भी सुनने को मिलेंगे। इसकी वजह क्या थी, तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो मूर्त रूप दिया गया था वो आपको सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में दिया गया था। किसमें दिया गया था, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में ठीक है ना। तो 26 जून 1945 को क्या हुआ था कि आपको 50 देशों के प्रतिनिधियों ने ही क्या किया था कि आपको इस सम्मेलन में क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। हालांकि बाद में क्या हुआ था कि आपको 51वां जो राष्ट्र था वो आपको पोलैंड था, जिसने क्या किया था कि आपको इस अधिकार पत्र पर क्या कहते हैं, हस्ताक्षर किए थे। क्या कहते हैं, हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य देश है वो आपको कितने थे, 51 थे। और एक चीज और याद रखिएगा कि हमारा भारत भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश है। तो भारत को है 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र का क्या हुआ था, सदस्य बना था। आपको यहाँ पर याद रखना है, कहीं पे जगह है ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था कि राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। राष्ट्र संघ के गठन के 6 दिन बाद अर्थात 30 अक्टूबर 1945 को हमारा जो भारत है वह आपको राष्ट्र संघ का क्या बना, सदस्य बना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 30 अक्टूबर 1945 को। तो भारत को किसका संस्थापक सदस्य देश कहा जाता है। अब आइए, अब की संस्थापक सदस्य देश तो 51 थे ठीक है ना, अब के वर्तमान में इसमें सदस्य राष्ट्र कितना है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में जो सदस्य राष्ट्र की संख्या है वो आपको 193 है। कितना है, 193। और इसका जो 193वां देश है वो आपको कौन है, तो दक्षिणी सूडान है, जिसकी राजधानी आपको कहाँ है, सुबा है। कहाँ है, सुबा है। तो प्रश्न पूछेगा कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश है, तब क्या कहोगे, 193। और 193वां देश जो है वो आपको कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। और 193वां जो था वो आपको कौन था, मोंटेनेग्रो था। और 191वां जो सदस्य राष्ट्र था वो आपको पूर्वी तिमोर था। तो अगर आपको कहीं पे लिखना है तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि देखिए तीन को याद रखिए, 191वां सदस्य देश जो था ठीक है ना, यानी 191 वाला जो था वो आपको पूर्वी तिमोर था। कौन था, पूर्वी तिमोर ठीक है ना, याद रखना है आपको ठीक है ना। और 192वां जो सदस्य राष्ट्र था ठीक है ना वो आपको कौन था, तो वो आपको मोंटेनेग्रो था। कौन था, मोंटेनेग्रो था ठीक है ना। और 193वां सदस्य राष्ट्र जो है वो आपको कौन है, देखिए
या आपको दक्षिणी सुडान है। तो इस प्रकार से इसके सदस्य राष्ट्रों को भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, और यह न्यूयॉर्क जो है वो आपको कहाँ है, तो मैनहट्टन द्वीप पर है। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो क्या कहोगे, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो कहाँ है, तो आपको अमेरिका में, और अमेरिका के किस द्वीप पर है, तो क्या कहेंगे, मैनहट्टन द्वीप पर। किस द्वीप पर, मैनहट्टन द्वीप पर है। तो इन चीजों को भी याद रखना है, और यही मैनहट्टन द्वीप है, ठीक है ना, जिस पर आपको क्या हुआ था कि अमेरिका के द्वारा जो आपको एटम बम जो था तैयार किया गया था, और उस एटम बम प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो किस द्वीप पर बताइए था, तो आपको मैनहट्टन द्वीप पर है। अब है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो महासचिव है वो आपको कौन है, तो वो आपको एंटोनियो गुतेरेस है, जो कि पुर्तगाल के है। और एक चीज याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, कि संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े अधिकारी वो कौन होते हैं, तो आपको महासचिव होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरेस, जो कि आपको नौवें क्रम के महासचिव है। कितने क्रम के हैं, नौवें क्रम के महासचिव है। और इससे पहले के जो महासचिव थे वो आपको बान की मून थे, जो कि दक्षिण कोरिया के थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एंटोनियो गुतेरेस से पहले, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, तो वो आपको बान की मून थे, और वो कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के। ये जो आपको एंटोनियो गुतेरेस है संयुक्त राष्ट्र के क्या महासचिव है, तो नौवें महासचिव है। इन चीजों को भी आपको देख लेना है। फिर हम यहाँ से बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त भाषाएं की। तो संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त भाषा जो है आपको छह है। कितनी है, छह है। देखिए कौन कौन सी भाषा है, तो अरबी है, चीनी है, रशियन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, और अंग्रेजी है। लेकिन इसकी जो काम काज की भाषा है वह आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है। कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र की जो काम काजी भाषा है वो कौन है, तो आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है वो आपको कितने हैं, तो आपको छह। इसको भी याद रखना। देखिए कार्यकारी भाषा दो, अंग्रेजी और फ्रेंच, ठीक है ना। उसके बाद आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, छह। तो एक है आपको महासभा, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल असेंबली। क्या बोलते हैं, जनरल असेंबली, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिस में। क्या कहा जाता है, पुलिस में। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को दुनिया का पुलिस में कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व का लघु संसद। याद रखिएगा कि महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संसद। और इसमें सदस्य राष्ट्र के सभी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। हालांकि बाद में जब हम पढ़ेंगे तो महासभा स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है आपको सुरक्षा परिषद, इसे ना दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। याद रखिएगा कि ये जो आपको सुरक्षा परिषद, इसको क्या कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। और पूरे दुनिया में शांति स्थापित करना जो दायित्व दिया गया है, किसको दिया गया है, सुरक्षा परिषद को। उसके बाद जो है वो है आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है ना। उसके बाद है आपको प्रन्यास परिषद, जिसको कहते हैं जस्टिसशिप, ठीक है ना। उसके बाद है सचिवालय, और फिर है आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से एक चीज आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी अंग है, ठीक है ना, सबका जो मुख्यालय वो कहाँ है, आपको न्यूयॉर्क में। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वो आपको द हेग में कहाँ है, मुख्यालय इसका द हेग में कहाँ है, द हेग में। द हेग कहाँ है, आपको नीदरलैंड में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का मुख्यालय जो है आपको द हेग में, तो क्या कहेंगे, आपको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और एक चीज याद रखिएगा, कॉमन बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है, और इन न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो आपको 9 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 9 वर्षों का। तो इस सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आइए फिर भी देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जो क्वेश्चन आपके 12th में खूब पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के जो प्रथम महासचिव कौन थे, तो क्या कहेंगे, त्रिवेली, जो कि आपको कहाँ कहते हैं, नॉर्वे के थे। कहाँ कहते हैं, नॉर्वे के, ठीक है ना। और प्रथम जो एशियाई महासचिव थे वो आपको यूथंट थे, जो कि यूथंट जो थे वो आपको म्यांमार के थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो यूथंट थे, जो कि म्यांमार से थे। और ये संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव थे। क्या थे, तीसरे महासचिव थे, ठीक है ना। प्रथम महासचिव कौन, त्रिवेली। अब यहाँ से बात आती है कि दूसरा महासचिव कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे महासचिव थे उसका नाम था डैग हैमरशोल्ड, जो कि स्वीडन
स्टूडेंट कहते क्या कहते स्टूडेंट कहते और इनकी मृत्यु जो थी वो आपको हवाई दुर्घटना में हो गई थी। क्या हो गई थी? हवाई दुर्घटना में हो गई थी, ठीक है ना। यहाँ से उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव दामकैंग एंटोनियो गुतेरेस प्रथम महासचिव दामकैंग त्रिवेणी जो की क्या कहते हैं नॉर्वे के प्रथम एशियाई महासचिव यूथार्ट जो की म्यांमार के थे और महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी वो कौन थे? डैग हैमरशोल्ड जिनकी मृत्यु 1961 में क्या हुआ था कि हवाई दुर्घटना में हो गई थी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो बताएंगे, ठीक है ना।